ये तस्वीरें देख रहे हैं आप करनाल से, जहां पर तमाम महिलाएं और तमाम लोग इकट्ठे होकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, उन लोगों को सजा दिलाने के लिए जो लगातार हरियाणा के अंदर या देश के अंदर जो कानून व्यवस्था है उसका माखोल उड़ा रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में एक तस्वीर सामने आई जहां पर एक लड़की को कुछ बदमाशों ने गोली मार दी। पहले उसका अपहरण करने का प्रयास किया और उसके बाद उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं उससे पहले हाथरस में भी एक कांड सामने आया था जहां पर एक लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया गया और उसके बाद उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। फिलहाल आप देख सकते हैं कि तमाम जो महिलाएं हैं, लोग हैं, वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ हाथरस कांड की जांच सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पूर्व जज से करवाने और इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा जल्द न्याय तक पहुंचाने को लेकर मांग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अंबेडकर चौक पर जाम लगा दिया गया है और अपनी मांगों के साथ साथ हाथरस की लड़की और बल्लभगढ़ की उस लड़की के लिए इंसाफ की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम भारतीय मजदूर यूनियन के जो तमाम नेता हैं और साथ ही साथ तमाम जो कर्मचारी हैं, वो किस लिए ये प्रदर्शन है ये जानने का प्रयास करते हैं। किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं आज आप? आज स्टेट नगर पालिका सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा स्टेट कमेटी और CITU स्टेट कमेटी के आह्वान पर आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है कि हाथरस में जो ये कांड हुआ था उसमें हमारी ये बेटी हरियाणा यूपी की बेटी मनीषा के साथ जो इंसाफ होना चाहिए था वो इंसाफ पूरी तरह से सरकार नहीं कर पाई होगी सरकार, क्योंकि उल्टा उसी के भाई पर एक आरोप लगाकर, झूठा आरोप लगाकर उसको अंदर कर दिया गया, जिसके समर्थन में आज पूरे हरियाणा प्रदेश में ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और अभी ताज़ा ही खबर है कि हमारे फरीदाबाद हरियाणा की बेटी नकिता जो एक एग्जाम देके आ रही थी कि रास्ते में दिन दहाड़े कुछ दबंग लोगों ने उसकी हत्या कर दी, जिसके विरोध में आज ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तो हम इस सरकार के मंच के माध्यम से सरकार से कहना चाहते हैं कि इस सरकार में अब तक कानून व्यवस्था इतनी अच्छे तरह से नहीं है। जो लोग ये ढंडोरा पीटते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि इस सरकार के अंदर आज बेटियां सुरक्षित नहीं है। सरकार कानून व्यवस्था को पूर्ण तरह से अच्छा करने की मांग करते हैं और हम इस मंच के माध्यम से सरकार से ये भी मांग करते हैं कि जल्द से जल्द निकिता के हत्यारों को गिरफ्तार करके उनको फांसी की सजा दे। अगर ऐसा काम सरकार नहीं करती तो आने वाले टाइम में पूरे हरियाणा प्रदेश का जितना भी कर्मचारी है सारा का सारा सड़कों पर उतरने का के लिए मजबूर होगा। चाहते हैं मंच के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि जो उन्होंने घिनौना काम किया है, आज एक झूठा इल्जाम लगा के उसके भाई को
और जिसके परिवार को जो प्रताड़ित किया जा रहा है, हम कहना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से कि सरकार होश में आए, अन्यथा ऐसा दिन ना हो कि पूरा का पूरा देश का जितना भी दलित समाज या जितना भी कर्मचारी हमारा सारा का सारा सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होगा। इंद्रजीत चनालिया, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा, जिला सचिव। जो दिक्कत हुई है और उसके जो परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको लेकर ये रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। और जो ये बीजेपी सरकार है, ये इन जो महिलाओं के साथ जो घिनौनी हरकतें कर रही है, ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है, ये झूठा नारा दिया जा रहा है। और कोई बेटियों की सुरक्षा नहीं है आज, ना तो कोई 6 महीने की बच्ची सुरक्षित है, ना 60 साल की बुजुर्ग महिला सुरक्षित है। आज ये जो महिलाएं हैं, हम महिलाएं घरों में भी सुरक्षित नहीं है। और जो ये आए दिन घटनाएं होती रहती है, अभी एक जो बल्लभगढ़ में जो घटना हुई है, दिन दहाड़े उस बच्ची को का गोली मार के हत्या कर दी गई है। ये आए दिन ये ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। और लेकिन जो गुनाहगार है, जो वो ऐसे ही खुले घूमते रहते हैं, उनकी इन बेटियों की कोई सुरक्षा नहीं है। हम इस जो बीजेपी सरकार है उसकी हम घोर निंदा करते हैं। महिलाओं की और बेटियों की कोई सुरक्षा नहीं है यहाँ इस समाज में। और हम यही अपील करते हैं, और जो ये पूरा हमारा कर्मचारी और जो हमारी महिला समिति है, जो ज्ञान विज्ञान समिति है, जो हम यही अपील कर रहे हैं कि भाई जल्द से जल्द इन बेटियों की जो गुनाहगार है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हाथरस में जो बेटी के साथ घटना हुई है, उस बार जिसमें हमने यहाँ प्रदर्शन किया और सभी संगठन हमारा इकट्ठा हुआ है, और जनवादी महिला से हम सारी बहनें भी इकट्ठा हुई है, तो हमारी यही मांग है कि जहाँ भी जो भी बेटियाँ उनके लिए कोई ये बार बार में नारे तो देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हमारी कहीं भी सुरक्षा नहीं है। तो इस बार हम उन्हें जो भी है उनसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हरियाणा में भी कांड हुआ, हाँ हरियाणा में भी हुआ, जो बल्लभगढ़ में हुआ जी, उस अभी उसके बारे में भी हमने ये प्रदर्शन विरोध प्रदर्शन सारा ने इकट्ठा ही किया। आपका नाम? तोसी, जिला प्रधान।